हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिनेश। आज आप लोगों को पेट की समस्या के बारे में बतलाएंगे। तो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें किसी भी टाइप की पेट की समस्या है, वो मेरा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पेट का प्रॉब्लम हर किसी को है। ये पेट का प्रॉब्लम क्यों होता है? तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जान करके अनजान बन जाते हैं। पेट का प्रॉब्लम रहता भी है और आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन पेट का प्रॉब्लम नहीं जाता है। तो पेट का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होता है। ये जो पेट का प्रॉब्लम, पेट में जो समस्या हो जाने का कारण है, ठीक से खान पान ना खा पाना, टाइम पे खाना नहीं खाना, खाने में जैसे ज़्यादा आलू का सेवन करना, हरा पत्तेदार सब्जी का ना खा पाना, फास्ट फूड का ज़्यादा खाना, तैलीय फूड ज़्यादा खाना, ये सब कारण है पेट की समस्या का, पेट प्रॉब्लम का। तो पेट में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो पेट प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? फास्ट फूड ये सब ना खाएं, ऑयली फूड ना खाएं, आलू ज़्यादा ना खाएं, हरे पत्तेदार सब्जी का उपयोग करें और एक्सरसाइज पर जरूर ध्यान दें। ऐसे एक्सरसाइज तो बहुत लोग जानते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अगर थोड़ा सा टाइम है तो कर लें, नहीं तो आप मॉर्निंग में पैदल जितना बने उतना आप चलें और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। ये सब करने से आपको लाभ होगा। उसके बाद आता है मेडिसिन। मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत ही कारगर है पेट के किसी भी समस्या के लिए। अगर पेट में आपको गैस बनती है, पेट में अगर आपको गैस बनती है तो आप कार्बोवेज मेडिसिन खाएं, गैस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब जिन लोगों को पाचन शक्ति का प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगता है, तो उसमें आप ब्रानिया मेडिसिन 200 पावर में लें सुबह शाम 4 बूंद। उसके साथ आप चिलिडोनियम क्यूब पावर में क्यूब ले लें और 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम ले लें। ये सब मेडिसिन यूज करें। अब पेट में दर्द का जो प्रॉब्लम है, तो आप कोलोसिंथ मेडिसिन ले लें सुबह शाम। 200 पावर में लेते हैं तो सुबह शाम 4 बूंद ले लें, 30 नंबर में लेते हैं तो सुबह दोपहर शाम 4 बूंद ले लें। तो पेट की किसी भी प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर है, लेकिन कारगर ज़्यादा हो जाता है तब जब आप खुद एक्सरसाइज करते हैं, खुद अपने बातों को समझते हैं कि मेरा पेट क्यों खराब हो गया है। पेट की समस्या ये कोई समस्या नहीं है। बेकार हॉस्पिटल में लोग चक्कर लगाते रहते हैं, खुद पर ध्यान ना दे करके हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं और पेट की समस्या ठीक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मेरा ये छोटा सा वीडियो है, आप लोगों को ये बताए हैं कि आप जो बात बताए हैं उसे आप देखें, उसको अनुभव करें। क्या मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज